माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसे बोलने की अनुमति दी जाए। महोदय, सरकार ने जो सामाजिक अति दुखी से पिछड़ा वर्ग का जो रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। ओबीसी समाज की जाति न्याय जनगणना होना चाहिए। पूरे देश में जाति न्याय जनगणना होने से ओबीसी समाज को न्याय नहीं मिला है। आज महाराष्ट्र में 70% आरक्षण की जगह सिर्फ 19% आरक्षण है। विभिन्न जातियाँ समाप्त की गई है और ओबीसी को जो न्याय मिलना चाहिए वो हो नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि ओबीसी का आरक्षण सरकार खत्म करने का प्रयास करी है। महाराष्ट्र में मराठा समाज, धनगर समाज और मुस्लिम समाज आरक्षण की मांग कर रहा है। हमारी ये मांगनी है कि आप उनको आरक्षण दीजिए और उनको ओबीसी में संरक्षण किया जाए, ओबीसी का आरक्षण रखा जाए। वैसे गुजरात में पाटीदार समाज का, राजस्थान में जाट समाज का, सभी को आरक्षण दीजिए। वो ओबीसी के आरक्षण को हाथ लगाने की ताकत सरकार ने नहीं करनी चाहिए। आज महाराष्ट्र में ओबीसी विद्यार्थियों के लिए होटल की सुविधा नहीं है। ओबीसी समाज महाराष्ट्र के अंदर में पूरे खितिर समाज है, मजदूर समाज है और छोटा तबका है। उनकी बच्चा की शिक्षा के लिए, उनको अच्छी पढ़ाई के लिए, उनको रहने के लिए सरकार ने ओबीसी विद्यार्थियों के लिए होस्टल का निर्माण हर जिले में करना चाहिए। पूरे भारत में निर्माण हो तो ओबीसी के बच्चों को उनका फायदा मिलेगा, उनकी सुविधा हुई। मैं सरकार से ये भी अनुरोध करता हूँ, हम SC ST के लिए MPC UPC में एडमिशन लेने के लिए उनके लिए क्लासेज लगाते हैं, कुछ क्लासेज चालू करते हैं। और ओबीसी के बच्चों के लिए पूरे देश भर में AP का चालू नहीं किया गया, यानी ओबीसी समाज को सरकार राष्ट्रीय स्तर में मानने को तैयार नहीं, ऐसा मेरा अनुमान है। आज मेडिकल सुविधा में, मेडिकल कॉलेज के अंदर में 27% आरक्षण होना चाहिए था, 27% आरक्षण देना चाहिए था। पूरे देश में 2% आरक्षण देकर ओबीसी समाज को मरने का और मारने का काम आपने किया। इस माध्यम से ओबीसी की बात दबाने का काम सरकार कर रही है। मैं ये भी चाहता हूँ कि ओबीसी को 27% आरक्षण मेडिकल मिले, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को मेडिकल सुविधा मिल सके, उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। ये आपके माध्यम से मैं मांग कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर जिले में नवोदय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के टैलेंट बच्चे का शिक्षण होना चाहिए। वहाँ बड़ी जाति के लोग सब हो जाते हैं, वो ओबीसी को आरक्षण न मिलने से नवोदय विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता है। उसे ग्रामीण क्षेत्र का टैलेंट बच्चा आज पिछड़ा हुआ है, उनके विकास के लिए आप संदेह। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओबीसी समाज में जो क्रिमिनल के अट है वो पूरी तरह तक कर दो, वो होना नहीं चाहिए। ओबीसी समाज को पढ़ा लिखा नहीं है, कोई आर्थिक सामाजिक उन्नति क्या नहीं, पैसे वाला नहीं है, यानी क्रिमिनल के अट जो रखी है जिसे ओबीसी के बच्चों को नौकरी में, पढ़ाई में दिक्कत पैदा होती है। सरकार से अनुरोध है कि आयोग से अनुरोध है कि उनका जो पीड़ा वर्ग की जो क्रिमिनल का अट है ये पूरी तरह रद्द कर दिया जाए। और उसे महाराष्ट्र के अंदर में 4 साल हो गए सरकार ने नौकरी भर्ती की नहीं है, ओबीसी को न्याय नहीं मिला है, या शैक्षणिक नौकरी भर्ती नहीं हुई है, प्रमोशन नहीं दिया गया, जिससे महाराष्ट्र के अंदर में ओबीसी के लोगों को एक तरह से अन्याय हुआ है। आज महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी को आरक्षण बिल्कुल नहीं दिया है और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो भी महाराष्ट्र सरकार मानती नहीं। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप न देने से बच्चों ने इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी है। सरकार ने स्कॉलरशिप पैसा दिया नहीं, उनका कहना है कि केंद्र सरकार पैसा देती नहीं और इसलिए आपको पैसे देती नहीं। और ओबीसी के बच्चों को अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगी, उन बच्चों की पढ़ाई नहीं होंगी और ये समाज आर्थिक और सामाजिक पिछड़ा बनेगा। इसलिए मेरी मांगनी है, डिमांड है कि उनको स्कॉलरशिप दिया जाए। सरकार ने 1 से 4 बजे तक के, 6 से 8 तक के और 9 से 10 तक के बच्चों को स्कॉलरशिप जो पैसा रखा है बहुत ही कम है। कम से कम उन बच्चों को हर माह कम से कम 500 रुपये 1000 रुपये स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। आपने कितना दिया? 50 रुपये 100 रुपये स्कॉलरशिप दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 100 रुपये स्कॉलरशिप में ओबीसी का बच्चा 1 से लेकर 10 तक कैसे पढ़ेगा? कम से कम विकास के लिए हर महीने 2000-3000 रुपये स्कॉलरशिप देना चाहिए, जिससे ओबीसी का बच्चा पढ़ सके और आगे विकास कर सके। मैं आपसे ये भी मांगनी करता हूँ कि ओबीसी कल्याण के लिए शासन ने नीति कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी का मंत्रालय बम्बई में बनाया हुआ है, वैसे ही मंत्रालय केंद्र सरकार बनाकर
ओबीसी के हितों की रक्षा करे, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। और साथ में यही मांग करता हूँ कि ओबीसी के हर बात के लिए सरकार सहकार्य करे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओबीसी विद्यार्थियों को उम्र की और फी में सहूलत दी जाए। आज ओबीसी के बच्चों के उम्र सहूलत न देने से उनको नौकरी नहीं मिलती। उनके परीक्षा फॉर्म भरने के लिए चाहे आईएएस का फॉर्म हो, चाहे यूपीसी या एमपीसी फॉर्म हो, उसको फी तगड़ी रहने से ओबीसी का बच्चा वहाँ समृद्ध नहीं हो सकता। इन सभी बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। ओके सर।